हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यू के रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ sonic.exe नाम के एक हॉरर क्रीपी पास्ता के साथ, वो भी हमारे स्टाइल में। इसलिए न चिंता न फिकर न बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक एंड लेट्स स्टार्ट। तो sonic.exe क्रीपी पास्ता की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 10 साल पहले। अरे sonic.exe की स्टोरी बताने से पहले सोनिक के बारे में तो बताओ। बात तो सही है। ओके, सो सोनिक एक हेजहॉग है, मतलब हिंदी में कांटेदार जंगली चूहा, जो कतई तेज है, सुपर फास्ट है, फ्लैश का अलबेला चेला है ये। नाउ सोनिक का घर अर्थ नहीं है, और जब रात हुई तब वहाँ ऊपर दिखेगा हमार घर। सोनिक एक एलियन है और मोबियस नाम के एक प्लेनेट से हमारी अर्थ में आया है, क्योंकि अरे अर्थ की तो लुल्ली बजी हुई है। अब सोनिक तो अच्छा है, बट जिस sonic.exe की स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ ना, एक शैतानी एंटिटी है जिसका नाम है लॉर्ड एक्स। नाउ ये लॉर्ड एक्स हमारी इस रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, एंड दैट्स व्हाई ये गेम्स के अंदर चले जाता है, उनके कैरेक्टर्स को पोजेस करके उनका रूप ले लेता है। और फिर जो बंदा उस गेम को खेलता है ना, लॉर्ड एक्स उसकी चटनी बना के समोसे में डाल के खा जाता है। अब जब लॉर्ड एक्स अर्थ पे आया तो उसे सोनिक का कैरेक्टर बड़ा ही पसंद आया और उसने सोनिक के एक गेम को पोजेस कर दिया। एंड sonic.exe क्रीपी पास्ता के अकॉर्डिंग वो हॉन्टेड गेम टॉम नाम के एक लड़के को मिल गया था, जिसके साथ क्या हुआ चलो जानते हैं। तो टॉम सोनिक के गेम्स का बहुत बड़ा फैन था। अब गर्मियों की बात थी, टॉम बढ़िया से सोनिक अनलीज्ड खेलने में लगा था और साइड से अंडे वाला बर्गर खाने में लगा था। अब उसी दौरान उसके दरवाजे पे एक कुरियर आता है, और जब वो उस पैकेट को खोलता है तो उसमें से निकलती है एक CD जिसपे बड़े बड़े लेटर्स में sonic.exe लिखा होता है, और साथ में होती है एक चिट्ठी। स्पीड 1 THz, मेमोरी 1 TB। अरे चिट्ठी नहीं, चिट्ठी मतलब लेटर, जिसमें एंड में उसके दोस्त काइल का नाम लिखा होता है। और गाइज वो दोस्त काइल ना 2 हफ्तों से गायब चल रहा था। नाउ लेटर बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में, बहुत ही जल्दबाजी में लिखा था। मैं अब और नहीं सह सकता, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, पर मैं ये अकेले नहीं कर सकता, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और अगर तुमने ये CD डिस्ट्रॉय नहीं की तो वो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा। प्लीज टॉम, इससे पहले कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए डिस्ट्रॉय द CD, और चाहे कुछ भी हो जाए इस CD के अंदर वाले गेम को मत खेलना प्लीज। नाउ यार, आज तो इंटरनेट पानी की तरह बहता है और गेम्स तो आराम से मिल जाते हैं, बट यार उस टाइम पे ना एक एक गेम के लिए रोया करते थे हम। सो टॉम ने भी सोचा कि यार ये CD तो है, क्या जो बिगाड़ लेगी, गेम ही तो होगा इसमें, वो भी उसके फेवरेट सोनिक का। सो वो उस CD को अपने कंप्यूटर में डाल के गेम इंस्टॉल कर लेता है। आज का सवाल, ये विलियम का रोबोट जो माइक को असिस्ट करता है उसका नाम क्या है? ए जार्विस, बी हैंड यूनिट, या फिर सी चिट्टी 2.0? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ यार गेम स्टार्ट होता है और पहले सोनिक द हेजॉग गेम का वही डिफॉल्ट स्क्रीन आता है, बट देन ग्लिच होता है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अरे रुको यार, ये ग्लिच होने से पहले कुछ अजीब दिखा मुझे। हाँ गाइज, पॉज करके दिखाता हूँ आपको, खुद देख लो। गेम के स्टार्ट वाली स्क्रीन ना पूरी चेंज हो गई है, काला आसमान हो गया है, पानी का कलर खून की तरह लाल हो गया है, और सोनिक की आंखें तो देखो कतई लाल हो गई हैं, जिनसे खून बह रहा है, और वो ना आपको घूर रही हैं। बाकी नीचे सेगा के बाद 666 नंबर लिखा है, और आपको तो पता ही है कि ये नंबर शैतान का होता है। अब ये देख के ना टॉम की फट जाती है, बट देन वो सोचता है कि गेम ही तो है, सो वो कंटिन्यू करता है। एंड देन गेम में कैरेक्टर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जो ओरिजिनल गेम में कभी नहीं था। बाकी यार बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूछना भी मत, अगर सुन लोगे ना अभी तो रात को नींद नहीं आएगी। अब गाइज हैरानी की बात तो ये थी कि गेम तो था सोनिक का, बट उस कैरेक्टर सिलेक्शन वाले स्क्रीन पे टेल्स, नकल्स और डॉक्टर रोबोटनिक के ही कैरेक्टर्स थे। नाउ टॉम टेल्स को सेलेक्ट करता है, गेम स्टार्ट होता है और बैकग्राउंड में ये हंसी सुनाई देती है। अब गाइज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, टेल्स जो है ना वो सोनिक का बेस्ट फ्रेंड है, उसका प्यारा मुंह बोला छोटा भाई है, क्योंकि अपने तो
अपने होते हैं। नाउ गेम स्टार्ट होता है। टेल्स एक हरे भरे फील्ड में भाग रहा होता है कि कुछ ही देर बाद उसे मासूम एनिमल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखने लगती हैं, जिन्हें बहुत ही ग्रूसम तरीकों से मारा होता है। गिलहरियां पेड़ों से उल्टी लटकी होती हैं, खरगोशों को तो चीर फाड़ रखा होता है और बतखों का तो भाई पूछो ही मत। इतना बुरा हाल था ना कि टेल्स की आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी। नाउ टेल्स भाग ही रहा होता है कि सामने से सोनिक आ जाता है और जैसे ही टेल्स सोनिक के बगल में पहुंचता है, सोनिक अपनी आंखें खोलता है जो वही शैतानी लग रही होती है। एंड देन गाइस स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक डरावनी सी आवाज में सोनिक कहता है, हेलो, मेरे साथ खेलना चाहोगे? और फिर शुरू होता है हाइड एंड सीक का गेम। अब इस दौरान टॉम थोड़ा सा घबराया होता है, पर देन वो सोचता है कि गेम ही तो है। नाउ आफ्टर दैट टेल्स उसी हरे भरे मैदान में होता है, बट अब हर जगह आग लग गई होती है। ऐसा लग रहा होता है ना कि मानो वो नर्क में हो। देन टेल्स थोड़ा सा भागता है कि तभी वो क्रीपी हंसी सुनाई देती है और स्क्रीन पे उस शैतानी सोनिक एक्स की इमेजेस दिखने लगती हैं। तभी गाइस पीछे से सोनिक आता है और टेल्स का पीछा करने लगता है। अरे वो देखो, चूहे से कबूतर बन गया, ये उड़ कैसे रहा है हवा में? ये भाई वो शैतान है, तेरे पीछे भी ना ऐसे उड़ के ही आएगा। नाउ वो सोनिक टेल्स को पीछे से टच करता है और गायब हो जाता है, जिसके बाद टेल्स बेचारा डर के मारे रोने लगता है। यार बड़ा भाई था सोनिक उसका। अब अगले ही पल टेल्स के सामने बड़ा सा राक्षस जैसा सोनिक आ जाता है जो कहता है, मैं तेरा दिल खा जाऊंगा। एंड गाइस फिर ना टेल्स का दिल फट जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर सोनिक एक्स कहता है, तुम बहुत धीरे थे, ट्राई अगेन। नाउ ये देख के टॉम हक्का बक्का रह जाता है। यार सोनिक का छोटा भाई था टेल्स, कैसे कर सकता है वो उसके साथ ऐसा। देन स्क्रीन पे फिर से कैरेक्टर सिलेक्शन वाला स्क्रीन आता है जहाँ मरे हुए टेल्स की फोटो लगी होती है। बेचारा टेल्स, लो इसे हार पहना देता हूँ मैं। नाउ इसके बाद टॉम नकल्स का कैरेक्टर चूज करता है, फिर वही हंसी आती है और सोनिक कहता है, तुम भाग नहीं सकते। नाउ यार अगर आप नकल्स को नहीं जानते ना, तो यार नकल्स सोनिक जैसा ही है बट रेड कलर का है, और पहले ये दुश्मन थे बट देन ये दोस्त बन गए। लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाने और हराने में ना इन्हें बड़ा मजा आता है। और नकल्स को अंगूर बड़े पसंद हैं। नाउ स्टेज होती है स्क्रैप ब्रेक जोन, बट बैकग्राउंड वही डरावना रेड होता है। नकल्स भागता है, देन थोड़ी देर भागने के बाद स्क्रीन पे ग्लिचेस आने लगती हैं, एंड देन ग्राउंड में खून ही खून हो जाता है, जिसके बाद अचानक से आता है आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अरे बाबू भाई नहीं, सोनिक एक्स भाई। नाउ नकल्स उससे लड़ने की कोशिश करता है, बट देन वो थक के गिर जाता है और फिर सोनिक कहता है, तुम मेरे हाथों से मरोगे। एंड देन वो सोनिक उस नकल्स को भी अंगूर की तरह पिचका देता है। खत्म, टाटा, गुड बाय। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सोनिक कहता है, खेलने के लिए इतनी सारी आत्माएं हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। बेचारा नकल्स अंगूर भी नहीं खा पाया, ले हार पहन और अंगूर खा। नाउ गाइज इसके बाद ना टॉम की हालत सड़े हुए टमाटर से भी खराब हो जाती है, सो वो गेम बंद करके सो जाता है। पर सपने में उसे टेल्स और नकल्स के रोने की आवाजें आते रहती हैं। वो कह रहे होते हैं कि तूने हमें बचाया क्यों नहीं, और अगला नंबर ना तेरा है। नाउ उठने के बाद टॉम हिम्मत करके सोनिक एक्सी गेम फिर से चलाता है, जिसमें अब डॉक्टर रोबोटनिक का कैरेक्टर ही बचा होता है। अब गाइज ये डॉक्टर इवो रोबोटनिक है, जिसे एगमैन नाम से भी जाना जाता है, और ये एक शैतानी साइंटिस्ट है जो सोनिक का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाय द वे डॉक्टर अंडामैन का आईक्यू ना 300 है। इस केके के पूरे खानदान का आईक्यू मिला के भी 300 नहीं होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? नाउ टॉम उस चलते फिरते मुच्छर डॉक्टर अंडामैन को सेलेक्ट कर लेता है। नाउ डॉक्टर अंडामैन एक तहखाने में होते हैं जहाँ की दीवारों पर खून ही खून होता है। देन सामने से सोनिक एक्स आ जाता है, स्क्रीन ग्लिच होने लगती है, एंड देन सोनिक इस मुच्छड़ अंडे का ऑमलेट बना के खा जाता है और एक्स कहता है, आई एम गॉड, यानी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। नाउ इसके बाद टॉम के समझ आता है कि ये सोनिक नहीं था, बल्कि एक डेमोनिक एंटिटी थी जो उस गेम के कोड में घुस गई थी। अब टॉम ये सोच ही रहा था कि स्क्रीन पे लिखा आता है,
दूसरे राउंड के लिए तैयार होना टॉम। देन कंप्यूटर बंद हो जाता है और टॉम को अपने पीछे से आवाज आती है, टॉम मेरे लिए कुछ मजेदार करना। देन टॉम कहता है, तो क्या नाचो मैं? अरे मजाक कर रहा हूँ। तो टॉम को पीछे से किसी की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना, तो यार जैसे हमारे पीछे केके बैठा है ना, उसके पीछे वही लाल खूनी आंखों वाला सोनिक एक्स बैठा होता है। दी एंड। तो गाइज ये थी सोनिक एक्स की हॉरर स्टोरी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।